ये आपको बराह रास्त ले चलेंगे अल रहमान गार्डन फेज 7 अल रहमान डेवलपर्स की जानिब से सालाना महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया है। करती है और मैं गुजारिश करूंगा इंतजामिया से मियां साहब जो डब्बा ले शुरू करें इसी डब्बे में ऐसा रखें फोटो कापियां। तो मैं मियां साहब की बिना से इजाजत दूंगा कि सबसे पहले किसके दस्ते मुबारक से पहला गुरवा हम निकालेंगे जनाब अलहाज मियां मुश्ताक अहमद साहब उनके तमाम रफका पीर साहब की बारगाह में। मुझे अलामा साहब ने बयान किया कि पहला गुरवा जो है सैयद बादशाह अपने दस्ते मुबारक से निकालेंगे और उसके बाद मियां साहब मुझे हुक्म देते जाएंगे। पहला गुरवा जो है ये हम मर्द अहबाब के मबैन करेंगे और हजूर पीर साहब के दस्ते मुबारक से इंशाल्लाह ये गुरवा निकलेगा। और ये खवातीन का पहला गुरवा जो है मर्द हजरात के लिए और हजूर पीर साहब के दस्ते मुबारक से हजूर की आल के शहजादे हजूर की आल के शहजादे हैं आले नबी और आले अली हैं। देखते हैं किसका बुलावा आया है दरबार नबी से और ये कुर्रा जो पहला निकला है हजूर पीर साहब ने अता फरमाया मियां साहब खुद ही इंशाल्लाह इसका ऐलान करेंगे। और अगला कुर्रा माजिद जहूर साहब हमारे हमारे एम पी ए जनाब माजिद जहूर साहब हमारे साथ जन्म फरमा है इसका ऐलान फरमाएंगे जनाब माजिद जहूर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम जाज साहब वालिद का नाम मोहम्मद हनीफ जी जाज साहब वल्दियत मोहम्मद हनीफ एड्रेस जी अपना कोर्ट नूरशाह डाकखाना फैजपुर खुर्द तहसील फिरोजवाला जिला शेखपुरा। दोबारा समाप्त कर ले जो जिस शख्स का कुर्रा निकला है उसका मौजूद होना जरूरी है। इनका नाम है जज इनका नाम है और इनके वालिद का नाम है मोहम्मद हनीफ और इनका ताल्लुक है कोट नूर शाह फैजपुर खुर्द से तहसील फिरोजवाला जिला शेखपुरा। पहला कुर्रा अर रहमान गार्डन की जानिब से मैं आखिरी मरतबा ऐलान कर रहा हूं सुन ले। इनका नाम है नाम इसमें ग्रामी है जज और इनके वालिद का नाम है मोहम्मद हनीफ और ये मुतालिक है कोट नूर शाह से और हमारे कोट नूर शाह से अल्लामा रफाकत नूर साहब भी हैं जो हमारे अर रहमान गार्डन के खतीब हैं। मियां साहब ने ये कैंसिल कर लिया है जो बंदा मौजूद नहीं है उसका कुर्रा कैंसिल हो गया है। मैं तीन मरतबा ऐलान कर दिया है मैं गुजारिश करूंगा माजिद जहूर साहब पीर साहब हजूर पीर साहब की बारगाह में। कोई आया लेके चला गया कोई उम्र भर भी न पा सका और ये सरकार का कर्म है। देखते हैं अब किसका बुलावा आया है दरबारे नबी से। जी माजिद साहब जी नाम है इनका उसामा कासिम साहब वल्दियत मोहम्मद कासिम मोहल्ला इतिहाद कलोनी जफरवाल तहसील जफरवाल नारोवाल। उसामा कासिम साहब ये कुर्रा हजूर पीर साहब के दस्ते मुबारक से निकला है और ये पीर साहब आपके जिला नारोवाल का कुर्रा है जी जिला नारोवाल से है और तहसील जफरवाल। इनका नाम है उसामा कासिम नाराए तकबीर नाराए रिसालत। ये कोई डीलर है या इधर के रहशी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुर्रा मैं इस बेस पे दोबारा निकलवाऊंगा पीर साहब से कि ये मेरा सक्का भांजा और डॉक्टर है इसको उमरा मैं करवाऊंगा दोबारा पीर साहब इसकी कुरान दादी करेंगे। नाराए तकबीर नाराए रिसालत माशाल्लाह जनाब मियां मुश्ताक साहब के भांजे का कुर्रा निकला जो डॉक्टर भी है उनका इनका कुर्रा जो है उमरा मेरे जिम्मे और क्योंकि खानदान का निकला है तो उन्होंने कहा जी ये कुर्रादाजी फिर हम आवाम के सबूत करते हैं। हजूर पीर साहब की बारगाह में फिर गुजारिश है मियां साहब देखें खुद नौकरी कर रहे हैं मदीने वालों की नौकरी मियां साहब खुद कर रहे हैं और उन्होंने ये डिब्बा जो है डिब्बा पीर साहब की बारगाह में पेश किया और देखते हैं
किसका बुलावा आया है दरबारे नबी से। किधर गए माजद साहब? माजद साहब थक जाते हैं, हैं जी, अभी आपने इलेक्शन में कैंपेन भी करनी है, अभी आप थक रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम मोहम्मद अब्बास, वल्दियत रियाज अहमद और पता कोट नूरशाह फैजपुर, तहसील फिरोजवाला, जिला शेखुपुरा। जी माशाल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। ये हार दे सर, ये हार, बेटे को हार पहनाए, इस बेटे को हार पहनाए जी। ये इस बेटे का कुरा निकला है माशाल्लाह, और मियां साहब अपने दस्त मुबारक से इसे हार पहना रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मियां दो साहब की बार कर जी, इनका कुरा निकला है। अगला हजूर पीर साहब ने फरमाया, देखे अल्लाह की कुदरत, देखे एक टिकट पे तीन बंदे जा रहे हैं जी। मियां साहब ने सबका ऐलान कर दिया है, अभी अपनी जगह पे चार उम्रे के टिकट जो है मौजूद है मर्द हजरात के लिए। अब मियां साहब से गुजारिश है कि जहां हसन आप खुद निकाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला अलैका वसहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला अलैका वसहाबिका या हबीबल्लाह। ये मैं, मेरा बेटा है वलीद, उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो स्टेज पे आए और पर्ची निकालेंगे। माशाल्लाह मियां साहब के साथ दादी मियां वलीद था माशाल्लाह, कुरान निकालेंगे। अल्लाह पाक इस खानदान को सलामत रखे, मियां साहब के शहजादों की खैर फरमाए और ये नस्ल सलामत रहे जो हुजूर के गुलामों को मदीने पाक भेजने हैं। साहबदादा मियां वलीद साहब जी, देखते हैं वलीद भाई किसका कुरान निकालते हैं। दिलों पे हाथ रखें, तवज्जो बारगाह रिसालत में रखें, सरकार करम फरमा दे। और ये मैं दावत देता हूँ जी चौधरी अदरीज साहब को, वो मेरे बन फरमाएं स्टेज पे आए और इस खुश नसीब का आलाम करें जो मदीने की तैयारियों में है। अदरी साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं मोहम्मद वकास अकरम, और एड्रेस क्या है? बल्दियत है मोहम्मद अकरम, पढ़ा नहीं जा रहा, जिला जंग है जी, वकास अकरम जिला जंग। चला गया जी, चलो जी, ये कैंसल है जी। देखो जी, अल्लाह पाक ने भी बुलाया, उनके प्यारे महबूब ने, उनके प्यारे यार ने भी बुलाया, लेकिन इनकी किस्मत के वो वापस चला गए। आप नया कुरा दोबारा हम करेंगे, आप दोबारा भी हम ऐलान करते हैं, क्योंकि तीन मरतबा वो ऐलान करते हैं, अगर वो करीब है तो वो तशरीफ ले आए। जी अगर वो प्रॉपर्टी डीलर है तो वो खुद भी चला जाएगा, फिर हम कैंसिल ही करते हैं उसको। आए जी वली साहब, आप दोबारा करें। वकास अकरम साहब का कुरा कैंसिल कर दिया गया। अब मियां साहब के शहजादे मियां वली साहब अगला कुरा निकाल रहे हैं। ये जी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं मोहम्मद अशफाक वल मलक अल्लाह दिता, मोहम्मद अशफाक वल अल्लाह दिता, पाक पतन शरीफ जी। माशाल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हाथ उठा के नाराए रिसालत। अनवारे सरमदी के खजीने में ले चलो, अमवाज दिल के बहते सफीने में ले चलो, बीमारे इश्क सरदरे कौनैन है रियाज, उंगली पकड़ के इसको मदीने में ले चलो। पाक पतन का हमारा मेहमान बाबा फरीद के आसारे से आने नाला जनाब मोहतरम मोहम्मद अशफाक का कुर्रा निकला। मैं जनाब मियां अब्दुल रज़ाक साहब के खत्म जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये तीसरा कुर्रा है,
तो ये अली मुश्ताक मेहरबानी फरमाए स्टेज पे आ जाए। अली मुश्ताक और माशाल्लाह मियां साहब के एक और शहजादे अली मुश्ताक साहब माशाल्लाह नाम देखे हैं, मौला अली के नाम पे नाम है। सुभानअल्लाह, गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। कौन कौन अली वाला है, हाथ उठाए नजर आ, नारा हैदरी हैदरी हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बड़े ही काबले एहतराम दोस्त आले सोना नबी प्यारा नबी पीर सैयद गुलाम रसूल शाह साहब तशरीफ लिया रहे ने स्टेज पर, तो उन्होंने को ऐलान करवाना जी। अभी मेहरबानी फरमान जल्दी जरा स्टेज पर तशरीफ लैन पीर साहब, तो आंदे ही मदीने के मुसाफर का ऐलान कर दें। जनाब सैयद पीर गुलाम रसूल शाह साहब ऑफ अलीपुर शरीफ जी, आस्तानालिया लसानिया अलीपुर सैयदा शरीफ के सजादा नशीन पीर तरीकत रहबर शरीयत आले नबी औलाद अली शहजादा आले अतहार हजूर की आल का शहजादा अलीपुर शरीफ के सजादा नशीन हजूर किबला पीर सैयद गुलाम रसूल शाह साहेब शेर अहले सुन्नत बपर शेर हजूर की आल के शहजादे आए हैं अलीपुर लसानिया सजदा शरीफ से आले अतहार के नूर नजर तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है ने नूर तेरा सब घराना। हजूर किबला पीर साहब इलान, हजूर पीर साहब ने हुक्म दिया बेटा खुद इलान करो। हजूर पीर साहब के हुक्म पे शहजादा आले रसूल शहजादा आले तहार शहजादा गौसुल बरा हजूर किबला पीर सैयद गुलाम रसूल शाह किबला आस्तान आलिया लसानिया अलीपुर सैयदा शरीफ के सजादा नशीन उनकी तरफ से ऐलान किया जा रहा है जिनका कुर्रा निकला है। मुझे बताए कौन कौन अली का गुलाम है, हाथ उठाए। और जिनका कुर्रा निकला है उनका नाम है गुलाम अली, गुलाम अली वल्दियत है बशीर अहमद गुलाम अली। अली के बच्चों ने जो कुर्रा निकाला है आस्ताना आलिया लसानिया अलीपुर सैयदा शरीफ के अजीम ताजदार अजीम शहजादे हजूर किबला पीर सैयद गुलाम रसूल शाह साहेब, मैं हैरान होता हूँ इन हस्तियों से मिलने के लिए लोग सालों लाइन में रहते हैं। मियां साहब आपका मुकद्दर बड़ा बुलंद है, सारे आस्ताने आपसे प्यार करते हैं, हजूर की आल के सारे शहजादे आपसे प्यार करते हैं। जनाबे गुलाम अली का कुर्रा निकला है, इनके वालिद का नाम है बशीर अहमद गुलाम अली। नारा लगाए नारा तकदीर नारा रिसालत, हाथ उठाए। कभी दीवार हिलती है कभी दर काब जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर काब जाता है, नारा हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तौफीक दे तो बंदा सारा उम्र यही काम करता रहे, ऐसे बढ़ के काम इस दुनिया में कोई नहीं है कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी हमें वसीला बनाया कि हम हमारे दोस्तों को हमारे भाइयों को हमारे बेटों को कि इनको मदीने का रास्ता दिखाते जाएं और ये चलते जाएं और अल्लाह हमसे करवाता जाए। इन्हीं अल्फाज से मैं दावत कर दूँगा चौधरी सजाद में साहब को कि वो आएं और मदीने के मुसाफर का कुरा निकालें। प्लीज़ चौधरी सजाद में साहब जी, चौधरी सज्जाद साहब हमारे मेहमान खुसूसी अपने दोस्त मुबारक से कुर्रा निकाल रहे हैं और हमारी खुशबख्ती है अलीपुर शरीफ के ताजदार शहजादे हमारे दरमियान जन्म फरमा है और देखते हैं किसका कुर्रा निकला है दरबार नबी से। और मैं हैरान हूँ, मेरे लिए आज मेरी मेराज है तो मैं सैयदों के कदमों में खड़ा हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ा शर्फ है कि मियाँ साहब की वजह से मैं मियाँ साहब का एक अमल देख के बड़ा खुश हुआ। ये पहली मरतबा मैंने देखा, जब भी मैंने इनको माइक पकड़ाया आपने गौर किया होगा मियां साहब ने पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, यानी तीन चार मरतबा मैंने देखा जब भी माइक दिया पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी है। ये अहलुल्लाह की सोहबत का नतीजा है। कुर्रा जिसका निकला है इनका ताल्लुक है शेखुपुरा से, बुर्ज अटारी से मुताल्लिक है तहसील फरोजवाला। इनके वालिद का नाम है मोहम्मद फरियाद, जिनका कुर्रा निकला है उनका नाम है हसीब अली। हसीब अली कौन है जी, हाथ बुलंद करें।
हसीब अली वल्दियत फरियाद मोहम्मद फरियाद हसीब अली बुर्ज अटारी से मुतालिक है। हसीब अली हमारे मेहमान खुशी चौधरी सज्जाद साहब ने कुरान निकाला है, आखिरी मरतबा सुन ले, आखिरी मरतबा बुर्ज अटारी से ताल्लुक रखते हैं, तहसील फिरोजवाला है, जिला शेखपुरा है, इनके वालिद का नाम मोहम्मद फरियाद है, जिनका कुर्रा उमरे का निकला है उनका नाम है हसीब अली कैंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला अलैका वसहाबिका या हबीबल्लाह। मैंने तो चोरी सजाद में ऐसा को इसलिए बुलाया था कि इसका हाथ नरम है, लेकिन इसका भी हाथ सख्त ही है। हम दोबारा तकलीफ देते हैं चोरी सजाद में ऐसा को कि वो मैं पकड़ता हूँ जी, वो पर्ची निकाले और मदीने के मुसाफर का ऐलान करें और ऐलान भी बजाते खुद करें, फिर इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बंदा इधर ही होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। मोहम्मद हारून बल मोहम्मद रजवान महमूद मदीने का मुसाफर, मोहम्मद हारून चकवाल कोड़ मल्ला गौसिया जिला चकवाल। अल्लाह अकबर। चौधरी सज्जाद साहब ने कुरान निकाला है, मोहम्मद हारून शोबान मोहम्मद रिजवान महमूद इनके वालिद का नाम है, चकवाल की सरजमीन से ताल्लुक है, चुआ सैदन शाह जिला चकवाल और मोहल्ला गौसिया है। गौसे पाक ने करम कर दिया, गौसे पाक के महीने में इनका उम्रे का टिकट निकल आया। चौधरी सज्जाद साहब ने अपने रिश्ते मुबारक से कुरान निकाला है और मैं माइक पेश कर रहा हूँ जनाबे मियां साहब के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जिस तरह साढ़े दिल च तड़प है ना, इस तरह मेरिया मावा भैनों के दिल च भी तड़प है। चार कुरे निकल चुके ने ते पंजवा रहिंदा है, पंजवा एंड ते करांगे ताकि तुसीं दुआ च भी शामिल होवो। चार पंज कुरे हुण खवातीन दे होणगे ते उस तों बाद जिहड़ा आखिरी कुरा रहिंदा ना वह कारी साहब मर्दां दे डिब्बे चों इंशाअल्लाह ताला निकालणगे। तो ये मैं दावत दिना, सब तो पहले जनाब इज्जत माब ताहिर खान याजी साहब नू वो तशरीफ लियान ते खवातीन मुसाफरे मदीना दा कुरा अपने हाथ मुबारक ना कटन जी। हमारे मेहमान खुसूसी जनाब ताहिर न्याजी साहब, देखते हैं किबला न्याजी साहब किसका कुरा निकालते हैं और मियां साहब बताएंगे ऐलान कौन करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं दावा देता हूँ शाहिद गोंदल साहब को जी, वो तशरीफ ले आए और मदीने की मुसाफर हमारी माँ बहन का खुद ऐलान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये जी हमारी खुशकिस्मत बहन है हुमा, फिर सुन ले हुमा, और इनके हस्बैंड का नाम है, शोहर का नाम है मोहम्मद उमैर। खुशकिस्मत बहन हुमा, इनके शोहर का नाम उमैर, और ये मलीर कॉलोनी कराची से कराची शर्की से ताल्लुक रखती हैं। इनके साथ जो कोई भी इनका पे बुला लिया, हाथ उठाए जरा हाथ उठाए, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े ये बड़े सी
आखिरी मुसाफर मदीने का, और एक यंग मैन अहमद शाही, किधर है भाई, इधर आए। अहमद शाही साहब कुरान निकालेंगे जी, मुसाफिर मदीना जो आखिरी कुरान दादी है। मैं दावा देता हूँ छोटे भाई को, मियां अब्दुल रज़ाक साहब जो इस पूरी टीम के रूह रवा हैं और ये सारे मामलात को मैनेज करने वाले। और इससे पहले, इस ऐलान से पहले ना, मुझे एक और सैयद की औलाद नजर आई है जी, और बड़ी प्यारी आवाज है, छोटी सी नात, चंद अशार नात के जी, पीर सैयद आजाद आजाद उल हसन शाह साहब आमराना शरीफ। आज तो अल्लाह ने इतनी रहमत की हुई है कि इधर देखते हैं तो सैयद, इधर देखते हैं तो सैयद। हाँ जी, सदात हमारे, बहुत मेहरबानी पीर साहब, बहुत शुक्रिया। पीर इनवार उल हसन शाह साहब भी साथ तशरीफ फरमाया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मैं अता दिल से मशकूर हूं कि पीर साहब तशरीफ लाए, और मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा कि पीर साहब सीधे आ जाए। आखिरी कुरान दादी हम करने वाले हैं, हमें चंद अशार जो है ना उससे बैगा मंद फरमा दें जी। पीर सैयद आजाद उल हसन शाह साहब आमराना शरीफ। وسلم عليك يا حبيب الله. میں جب آپ کی دہلی को आका चूमा, मैंने जब आपकी दहलीज को आका चूमा, मैंने जब दहलीज को आका चूमा, यूं लगा आपने जैसे मेरा माथा चूमा, मैंने जब की दहलीज को आका चूमा, आपको ख्वाब में देखा तो मुकद्दर। अजकल सोना भी ना यंग मैन बुला रहा, थे वह गवर्नमेंट भी आ गई ना पीटीआई की, उधर भी यंग मैन ही जा रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दो गल्लां करनियां ने, एक टिकट अगे निकलिया सी, मियां साहब ने कढ़िया सी डीलरां दा, उहदे विच मलक तारक साहब का निकलिया सी, मैं उन्होंने दफ्तर च काम करना, तो मलक साहब ने कहा कि तू जाना मेरी जगह पर, तो दूसरा निकल आया, तो इंशाल्लाह ताला मैं मलक साहब तो खालसा साहब जावांगे।
नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह या हबीबी या मुहम्मद या الخافقيني يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك आखरी अर्ज करे हम मेरे मौला जब मरे हम कलमा आपका पढ़े हम बाद उसके यूं कहे हम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबी सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका दस्त बस्ता है खड़े हाज़िर गुलाम पेश करते हैं سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ميم على صلى الله عليه وسلم دائما أبدا على حبيبك آخر خلق كل أمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين مولا زندگی شان دی موت ایمان دی عطا فرما مولا زندگی شان دی موت ایمان دی عطا فرما مولا زندگی شان دی موت ایمان دی عطا فرما الہی جب دم واپسی ہو تو لبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ یہ بہت مبارک ہے سب حضرات کو محفل پاک کی سب احباب کا میں میاں برادران کی طرف سے شکر ادا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے بس مہمان مدینہ ہے میری گزارش ہے کہ میاں صاحبان کے لیے ہمارے الرحمان ٹاؤن کے لیے دعا کیجئے گا اللہ پاک اس کے اندر خیر و برکت اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میرے آقا کی شان میرے حضور کی شان مل کر پیش کرنی ہے اور مل کر پڑھنا ہے تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا میرے آقا کا صدقہ جس کو جتنا عطا ہوا ذرا ایک دفعہ ہاتھوں کو اٹھائے گا دونوں ہاتھ اٹھائے اور مل کر بتائے تو عطا ہی عطا 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 تو تجھا کر تجھا تو تجھا کر تجھا میرے پیارے آقا تو تجھا کر تجھا تو جا میں تو جا خوشبو سے
खुशबू तेरी जुवे करो आखे तेरी बाबे हरम मेरे मौला आखे तेरी बाबे हरो मिंबर तेरा अर्श बारी जरा दोनों हाथ उठाए हुजूर के नाम पर मिलकर कहिए मिंबर तेरा अर्श बारी बोलो मिंबर तेरा अर्श तेरा